स्टैंडर्ड डिवीजन के हमें बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है बुक्स में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. आई हैव यूज्ड ओनली टू फॉर्मूलाज, डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड, डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड, दैट इज डिविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन. इन विजुअल सीरीज में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तीनों को ही हम एक साथ समझेंगे क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट हो जाती है तो आप इजीली ही इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड इन इनविजुअल सीरीज, एसडीसी हम इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है सिग्मा. फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डी इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार, डी स्क्वायर विल बी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. वी आर स्टार्टिंग इन इनविजुअल सीरीज, सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स. कोएफिशिएंट ऑफ sd इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू SD डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है कि आप इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, कंप्यूट मीन दैट इज x बार, कंप्यूटेड डिविएशन फ्रॉम मीन, d इक्वल्स टू x माइनस x बार इज एक्चुअल मीन. स्क्वायर्ड द डिविएशंस, जो आपने डी फाइंड आउट करा है उसका स्क्वायर, डिवाइड द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन बाय द एन, एन इज नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. नेक्स्ट टेक आउट द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. मंथली सैलरीज ऑफ द लेबर्स आर एज फॉलोज, 210, 220, 225, 225, 225, 235, 240, 250, 217, 290. सैलरीज आर कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन, दिस इज आर एक्स. फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. सिग्मा एक्स इज द टोटल ऑफ दिस कॉलम, that is 2390 divided by n, n is number of items, that is 10. x bar equals to 239. Now the next step is calculation of the deviations, that is difference from x and x bar. x is 210 minus 239 equals to minus 29. This is our d. 220 minus 239 equals to minus 19. 225 minus 239 equals to minus 14. 225 minus 239 equals to minus 14. 225 minus 239 equals to minus 14. 235 minus 239 equals to minus 4. 240 minus 239 equals to 1. 250 minus 239 equals to 11. 270 minus 239 equals to 31. 290 minus 239 equals to 51. This is our D. Next step, calculation of D square. D square is D multiplied by D. Minus 29 multiplied by minus 29 equals to 841. This is our D square. Minus 19 multiplied by minus 19 equals to 361. Minus 14 multiplied by minus 14 equals to 196. Minus 14 multiplied by minus 14 equals to 196. Minus 14 multiplied by minus 14 equals to 196. Minus 4 multiplied by minus 4 equals to 16.
1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 121, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 इक्वल्स टू 961, 51 मल्टीप्लाई बाय 51 इक्वल्स टू 2601. नेक्स्ट स्टेप इज वी विल सम ऑल द वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर. हमारा समेशन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5490. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला ऑफ एस डी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. 5490 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 549. इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. 23.43 इज स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार दैट इज मीन. 23.43 डिवाइडेड बाय 239 कोएफिशिएंट ऑफ एस डी विल बी 0.10. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डी सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ 23.43 डिवाइडेड बाय 239 मल्टीप्लाई बाय 100 आर आंसर विल बी 9.80%. स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये तीनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन सॉल्विंग दिस यू कैन कॉमेंट मी आई कैन सॉल्व योर डाउट. जब तक कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से दैट इज योर विश कि आप उसको किससे सॉल्व करते हैं. यू आर फ्री फॉर योर चॉइस.